हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्वेता रसोई घर। आज बना रही हूँ मीठा, मीठे में बना रही हूँ सेवई। बहुत ही सिंपल रेसिपी है एंड बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैंने इस सेवई को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 पैकेट सेवई लिया है। सेवई कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन चला दिया, इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी गर्म होने के बाद इसमें सेवई ऐड कर दूँगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करूँगी। या मैंने सेवई ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे चलाते रहूँगी, वरना सेवई अंदर से जल जाएंगे। तो देख सकते हैं सेवई का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने सेवई को गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। सेवई फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने गैस पे दूध गर्म होने के लिए चला दिया था। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है, आप नॉर्मल दूध का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट के लिए इसे और अच्छे से पकाऊँगी। यहाँ पे दूध अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें फ्राई किए हुए सेवई ऐड कर दूँगी और इसे मिला लूँगी। और इसे भी बीच बीच में चलाते रहना है ताकि सेवई अंदर से चिपके ना। यहाँ पे देख सकते हैं सेवई में अच्छे से पक रहा है। यहाँ पे दूध में गाढ़ापन आने लगा है, तो यहाँ पे दूध में अच्छे से गाढ़ापन आ गया है और सेवई का भी साइज बड़ा हो रहा है। तो अब इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी आप मीठा के अनुसार ऐड करें। यहाँ पे सेवई अच्छे से गाढ़ा होने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। इसी के साथ ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर, इससे सेवई का खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। इसे मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे सेवई में अच्छे से गाढ़ा बना गया है, तो देख सकते हैं सेवई एकदम परफेक्ट हुआ है। तो गैस ऑफ कर दूंगी। रेडी है दूध वाली सेवई। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ही ईजी बन जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।